फिदा। बेटा तुम कब से यहाँ पर बैठी हुई हो? चलो बेटी थोड़ा सा गर्म दूध पी लो। माँ बस थोड़ा सा काम रह गया, ये कर लूँ फिर। तुम कर क्या रही हो? माँ एक वेबसाइट है जॉब्स के लिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो मैंने सोचा वहाँ पे भी सीवी अप्लाई कर लूँ। बेटा तुम्हें जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम क्यों नहीं आयजा के साथ काम करती रहती? माँ प्लीज आप मेरी और आयजा की दोस्ती को दोस्ती ही रहने दें। अब मैं तुम्हारी इन फजूल किस्म की बातों की हिमायत बिल्कुल नहीं करूंगी। बेहतर यही है कि तुम आयजा के साथ काम करो। माँ अबे क्या कर रहा है? माँ अब एक मिनट, आप कहीं नहीं जाए, रुके मुझे देखने दें। कोई बिल्ली होगी, मैं देखती हूँ। हाँ बिल्ली कैसे होगी, कोई होगा। बाहर कौन हो सकता है? अब क्या कह रहे हैं, कमरे का दरवाजा बजाएं? अबे नहीं नहीं अभी इन दोनों माँ बेटियों को ऐसे डरने दे। मेरे पास मोबाइल है। बेटा पुलिस को फोन करो, अभी पुलिस आ जाएगी, उनको अच्छी तरह पता है इन चोर चक्कों से किस तरह निपटना है। मोबाइल गाड़ी आएगी और वो इनको पकड़ के ले जाएगी। अबे ये माँ बेटियां तो बड़ी तेज हैं, ये तो हमें डरा रही हैं। हाँ फोन करो पुलिस को। हेलो हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन जी, हमारे घर में चोर घुस आए हैं, आप प्लीज आए। जी जी हाँ मैं एड्रेस बता रही हूँ आपको। अभी के मोबाइल पुलिस वाले कभी कभी फौरन आ जाते हैं, चल भाग ले। रिदा की अम्मी तो शायद मान ही जाएं। अगर तुम्हें चाहिए था कि तुम रिदा से खुलकर बात कर लेती, क्योंकि आयजा ये जिंदगी भर का मामला है, इस पर कोई किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है दानियाल? I'm sorry. आयजा मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। Forget it, दानियाल। हम वो टॉपिक क्लोज कर चुके हैं, अब उस बारे में बात नहीं होगी। तुम बहुत अच्छी हो। ओ मिस्टर इमोशनल, ये मेरी तारीफें करना बंद कर दो। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं रिदा से होने वाली है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी और रिदा की शादी हो जाएगी? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अब इस मामले में मेरी मम्मी बहुत सीरियस हो गए हैं। कलम तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह मम्मी शहनाज आंटी को भी मना लेंगे। आज रिदा के घर से देर होगी इसलिए हम नहीं आ सके। तुम सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं? कसम से अंकल आंटी से तो मैं शर्मिंदगी के मारे नजरें ही नहीं मिला सकता। वो दोनों ओहो, वो दोनों तुम्हें अपना बेटा समझते हैं, कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा अब बहुत रात हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है।
हाँ।